सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सुनो बात करने वाले हैं आज के दूसरे मैच के बारे में, जो कि दूसरा मैच होने वाला है तेलुगु टाइटंस और गुजरात जायंट्स के बीच। उससे पहले पहले मैच के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है एक वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जो कि बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बीच पहला मैच खेला जाने वाला है और दूसरा मैच तेलुगु टाइटंस और गुजरात जायंट्स के बीच होने वाला है। तो गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस के बीच यह मुकाबला मतलब होने वाला है, तो इस मुकाबले की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि क्या स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी, क्या स्टार्टिंग सेवन देखने को मिलेगी, तो पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को मोस्ट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग सेवन पर नजर डालते हैं। तो तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग सेवन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग सेवन में नजर आएंगे मोनू गोया, तो विनय वीरेंद्र, उसके बाद सिद्धार्थ देसाई, सुरजीत सिंह, परवेश, विजय, विशाल भारद्वाज, जो कि अगर पिछले मैच की बात की जाए तो पिछला मैच हार कर आई है, जो कि इनका पिछला मैच हरियाणा के खिलाफ हुआ था और हरियाणा ने इनको हराया था। जहां पर अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की, प्लेयर परफॉर्मेंस, तो हम मोनू गोयत भी नहीं चल पाए थे, नहीं विनय भी चल पाए थे, सब्स्टिट्यूट होकर सिद्धार्थ देसाई आए थे, वो भी उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। तो सुरजीत हालांकि मैच में हमें दिखे थे नहीं, लेकिन यहाँ पर विजय और विशाल, विजय जो कि 4 टैकल हासिल किए थे और विशाल भारद्वाज जो टैकल हासिल किए थे, तो यहाँ पर डिफेंस थोड़ा अच्छा की थी पिछले मैच में। वहीं पर अगर बात की जाए स्टार्टिंग सेवन गुजरात जायंट्स की, तो स्टार्टिंग सेवन में हमें देख सकते हैं यहाँ पर राकेश तो देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मेन रेडर हैं, और चंद्रन रंजीत भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चंद्र रंजीत भी देखने को मिलेंगे, प्रतीक दहिया हमें देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इनका, सब्स्टिट्यूट थे लेकिन सब्स्टिट्यूट होकर आए थे और अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। उसके बाद इनके डिफेंडर की बात की जाए सौरव गुलिया, उसके बाद अकरम शेख, और यहाँ पर देख सकते हैं रिंकू नरवाल और शंकर गडे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं स्टार्टिंग सेवन में। प्रतीक दहिया की जगह प्रशांत कुमार राय हमें देखने को मिल सकते हैं, हालांकि प्रतीक दहिया हमें नज़र आने वाले हैं। वहीं पर बात की जाए राकेश भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, 11 रेड पॉइंट हासिल किए थे पिछले मैच में और सौरभ गुलिया 1 टैकल किए थे। वहीं पर अगर बात की गेम चेंजर्स की, तो इस मैच में हमें गेम चेंजर्स राकेश ही नज़र आने वाले हैं, जो कि राकेश से अभी तक 7 मैचेस खेले हैं टोटल, जिसमें से 70 पॉइंट हासिल किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं 7 मैचेस में इन्होंने 70 मतलब पॉइंट हासिल किए हैं, जो कि गेम चेंजर्स इस मैच के हो सकते हैं। वहीं एनालिस्ट की बात करें, एनालिस्ट तो गुजरात जायंट्स की टीम को एनालिस्ट करते हैं, जो कि इनके डिफेंस और रेडी विभाग को अगर देखते हैं, तो रेडी विभाग में हालांकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहीं पर थोड़ा कवर हमें वीकनेस देखने को मिला है इनकी टीम की तरफ से, और कॉर्नर हमें वीकनेस थोड़ा देखने को मिला, जो कि शंकर गडई और अकरम और यहाँ पर देख सौरभ गुलिया, सौरभ गुलिया तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन पिछले मैच में उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, 1 ही पॉइंट लाए थे। वहीं पर शंकर गडई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिफेंस इनका थोड़ा हमें कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की, तो तेलुगु टाइटंस भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें टीम लग रही थी कागज़ पर, लेकिन खेलते वक्त इनकी टीम बहुत ही वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जो कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी लाते हैं लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो रेडी विभाग भी इनका कमज़ोर हमें देखने को मिल रहा है और डिफेंस विभाग भी हमें कमज़ोर देखने को मिल रहा है, जो कि डिफेंस में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं लेकिन सिर्फ हमें विशाल भारद्वाज ही अच्छा परफॉर्मेंस करते नज़र आए हैं, आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनकी टीम हमें पूरी टीम कमज़ोर देखने को मिल रही है। वहीं पर नज़र डाला जाए फैंस वोट पर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 71% गुजरात जायंट्स को वोट मिले हैं कि इस मैच को 71% जीत सकती है गुजरात जायंट्स की टीम। वहीं तेलुगु टाइटंस को 29% वोट मिले हैं, जो कि तेलुगु टाइटंस हमें लग ही रहा है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस अगर करती है तो यहाँ पर तेलुगु टाइटंस जीतने की संभावना होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि तेलुगु टाइटंस अच्छा परफॉर्मेंस करके इस मैच को जीत लेगी। हालांकि अगर सिद्धार्थ देसाई, मोनू गोयत, अगर अभिषेक सिंह हमें यहां पर नजर आ जाते हैं तो इनकी टीम विन कर सकती है, लेकिन यहां पर गुजरात जायंट्स इस मैच को विन कर सकती है। कमेंट में जाए कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी।